एक होता है कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट से मेरी मुराद है ये वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बेसिकली MBBS किया होता है और MBBS के बाद वो 4 से 5 साल की फेलोशिप साइकाइट्री में करते हैं, यानी ज़हनी सेहत की फेलोशिप होती है साइकाइट्री के सब्जेक्ट में। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि ज़हनी सेहत के हवाले से जब ये एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई भी और इस तरह की कैफियत जब होती हैं तो किसके पास जाना चाहिए, क्या हमें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्या हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, पहले किसके पास जाएँ, कौन किस चीज़ का इलाज करता है। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करते हैं कि इलाज कैसे किया जाता है। तो पहले मैं ये जो दोनों लोग हैं इनका डिफरेंस बता देता हूँ। एक होता है कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट। कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट से मेरी मुराद है ये वो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बेसिकली MBBS किया होता है और MBBS के बाद वो 4 से 5 साल की फेलोशिप साइकाइट्री में करते हैं, यानी ज़हनी सेहत की फेलोशिप होती है साइकाइट्री के सब्जेक्ट में। जब वो ये कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद मेडिकेशन, जो भी ज़हनी सेहत के हवाले से जितनी भी अद्वियात हैं, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी साइकोटिक्स हैं, मूड स्टेबलाइजर्स हैं और भी बहुत सारी हैं, तो ये साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हीं को ये बेसिकली इसकी क्वालिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे प्रिस्क्राइब करनी है। तो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट बेसिकली वो है जिसने MBBS किया है, उसके बाद 4 से 5 साल की फेलोशिप की हुई है या कोई डिग्री हायर ली हुई है, क्लिनिकल डिग्री, और फिर वो एज अ क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिस करता है और दवाइयों से इलाज करता है। जहाँ तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का ताल्लुक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये बेसिकली इन लोगों, ये मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते, इन्होंने MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हों, उनकी क्लिनिकल अटैचमेंट्स भी हुई हों, हॉस्पिटल में उनका कुछ एक्सपीरियंस हो और इंटर्नशिप्स हुई हों, तो ये उनकी डिग्री का हिस्सा होता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली ज़बानी बातचीत से इलाज करते हैं, वो थेरेपी देते हैं जिसको टॉक थेरेपी आप कह सकते हैं, वो अद्वियात प्रिस्क्राइब नहीं करते लेकिन वो ज़बानी बातचीत से इलाज करते हैं। आमतौर पर साइकाइट्रिक जितने भी डिजीज़ हैं, जिसमें अगर आप मोस्ट कॉमनली एंजाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन को की बात करें, तो इन दोनों में जो ट्रीटमेंट है वो आमतौर पर मेडिकेशन और थेरेपी दोनों ही इस्तेमाल की जाती हैं। तो कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट अद्वियात के ज़रिए ट्रीट करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये थेरेपी के ज़रिए उसको ट्रीट करते हैं। तो आमतौर पर ज़्यादातर पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनको दोनों की ज़रूरत होती है। अब सवाल आता है कि पहले किसके पास जाएं? तो मेरी ये मशवरा है कि पहले मेरे ख़्याल में एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो एक MBBS डॉक्टर भी है साथ साथ, और कई दफ़ा एंजाइटी डिसऑर्डर्स और डिप्रेशन में कुछ ऐसे मेडिकल अमराज हैं जिसकी वजह से ये कैफियत हो रही होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है थायराइड का प्रॉब्लम, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म सबसे कॉमन मिसाल है। इसमें जब एंजाइटी हो रही होती है या डिप्रेशन हो रहा होता है, तो वो खाली एंटी डिप्रेसेंट से ठीक नहीं होगा, वो थेरेपी से ठीक नहीं होगा, उसको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होगी जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट देगा। तो इसलिए पहले एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से ओपिनियन हो और फिर साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट उसको देखें, आई थिंक ये ज़्यादा सेफ इसका तरीका होता है। तो इस हवाले से कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमसे ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।